30,000 दीदी रख लो। पहले तो हम सब की तरफ से आपको ईद मुबारक को मैं कहना भूल गया था, फैमिली की तरफ से भी। दूसरी बात ये ईदी दो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अली बट ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप लोग, ईद मुबारक। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको हनान अपनी बकवास बंद रख, ब्लॉग बना रहा हूँ। कौन हो यार, तो गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आया हुआ यहाँ पे बाउंसरी के मुंह वाला, जिसे हम लोगों ने बनाया नहीं था, लेकिन समी के घर आके बैठ गए, लेकिन कोई मसला नहीं है, खैर है, दोस्त है, क्या कर सकते हैं। तो कैसी जा रही है आपकी ईद, मैं हूँ आपको, मेरे साथ उमर है, हमारे दोस्त है। ये ब्लॉग आज लेट स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमें पता ही नहीं था, रात को सोई नहीं थी, नमाज पढ़ी और ये ब्लॉग स्टार्ट का स्टार्ट है। तो गाइस मुझे लगता है कि लड़कियों की प्यारी प्यारी तस्वीरें आ रही होंगी, हाथों की, मेहंदों की, जो जो पापा की परियाँ, वो सिर्फ यूँ यूँ करके हाथ दिखा रही होंगी, लेकिन खैर बहुत अच्छी जा रही है। वैसे ही इतनी जा रही है जैसे बचपन में जा रही थी, लेकिन फिर भी अच्छी जा रही है। तो खैर आज की रूटीन आपको दिखाते हैं, दिखा दो तो क्या ईदी मिले, ये भी दिखाते हैं, सबसे मिलना है। मौसम बहुत खूबसूरत है सरगोधा के अंदर, मुझे पता नहीं पता बाहर आउटर सिटीज में कैसा मौसम है, लेकिन सरगोधा इज इस टाइम लेवल। क्या मौसम है, बस हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है, पसीनो पसीन आए हुए हैं। कौन सा अच्छा, कहाँ पे पसीना आया, दिखाई दिखाई दे, कैमरा फोकस करी, पसीना आ रहा नजर आ रहा। ये उम्र थोड़ी टेंशन का पसीना है। तो गाइस आपको दिखाते हैं बाकी रूटीन। अच्छा तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, काफ़ी देर ईद में सोने के बाद, जिस तरह के सारे पूरा पाकिस्तान ही सोता है दोपहर के टाइम, मैं भी जाग गया हूँ। मैं जागा हूँ, बैठा हूँ फियाज अहमद भट्ट साहब के पास, जिस जो मेरे वालिद साहब हैं। जी जी बेटे। पापा मुझे आपने देनी है 50,000 रुपये ईद। जी बेटे, मैं थोड़ी है, थोड़ी ज़्यादा करो। 1,00,000 दे। 1,00,000, चलो इतना गाँव का पता तो चले ना तेरे कितने का है, उसके हिसाब से बेटे। आपने से ईदी नहीं दी मुझे अभी बेटे, वो जो टांका लगाया ना आपने 10,000 मम्मा से, वो ईदी थी, वो उसी को हिसाब को लेते हुए। इतने बड़े हो गए, सिर्फ 10,000 रुपया बेटे, छोटे हो जो। तुम बड़ी हंस रही हो, अभी मैं तुम्हारे पे भी आता हूँ। क्या तो तुम्हें ईदी देनी भी नहीं है मैंने, तो आपको भी नहीं देंगे। ठीक बाबा, याद रखिए बहनों का हक होता है, निकालो ईदी। हां जी, बहनों का हक होता है। 10,000 दे रहे हो, 10,000 10,000 रिमशा को, 2,000 बाकी ये तू जो क्यों बोलते हो, आप देने तो दो, नहीं देने तो ना दो। 10,000 लेना, नहीं पापा कह रहे 5,000 दो। उमर ने मुझे दिया, उमर से बैठा, तेरा भी 10 देना ही बनता है। उमर पापा कह रहे 2,000 की बात मानो। पापा आपको कोई मसला मेरे 10,000 से, आप कहो उसे जितने बहन मांग रही है, तेरी बहन मांग रही है ना 2,000 ही दो। पापा आपने 2,000 का, नहीं 2,000 इसको, दो दो इसका 10,000 ही देना है भाई, रिमशा को 10,000 देना है। ये तो तुम धमकी दे रही हो पापा का, तेरे सामने क्या दिल है, ईमान से तो वो बात की बात है, दिल क्या पापा का। पापा तुम बच्चों के लिए कह रहे हैं कि तेरे पैसे ना जाएं और यूं तो तो इसको उनपे 500 के बाद आजाद हुआ, आजाद के बाद 2,000 हो गया, आजाद 2,000 के बाद 5,000 में आ गया। आजाद पागल 500 रुपए ले लो, क्यों आपके पास घर आई लक्ष्मी को ठुकरा दे रही है। अब पापा ने जो बात कर दी वो फाइनल है, 2,000 ले लिया, 2,000 रुपया पापा ने कह दिया। हाँ मुझे तो 2,000 दे दे, बात खत्म। हाँ, हाँ, हमें आप 1,000 भी दे, मुझे 2,000 मिलने हैं साथ, तुम लोगों ने 1,000 अच्छा चलो दो, हमारा भाई नहीं है इधर ही, अब वो कौन सा कहीं जा रहा है पापा।
2000 ओके हाँ ठीक है देख ले तेरा ईमान मानता है नहीं तेरा दिल राजी होता है मुझे 2000 देने पे तू पहले तू ऐसा कर तू मुझे ईद ही ना दे मेरा मोबाइल वापस कर दे यार मोबाइल का रोना पिटना बाद में डाल क्यों तुम लोगों को पता है इसके जो शेगिस पे जो अकाउंट चल रहा है ना मेरे मोबाइल पे चल रहा है मैं हिस्सेदार हूँ शेगिस पे हाँ तो हिस्सेदार है मान गया अब नहीं तो फिर पैसे दे पापा आप ये तो मेरे खिलाफ जा रहे हो ना हिस्सेदारी की कमाई लो दे कमाई पापा आपने लड़ाई डलवाई है अब आपको बंदा मुझे आप मेरे साथ अपना धर्म क्यों बदलते जा रहे हो वैसे दिन ब दिन कौन से बेटे मैंने धर्म बदला ये धर्म क्या होता है मैं क्या किया आप क्यों इस बात मेरी बात नहीं सुन रहे आज मैं क्या किया क्या नहीं किया कहा था यार उसको 10,000 दो यार 10,000 के पीछे निमिषा तो सीरियस हो गया पापा से बात ओ हेलो हेलो मेरा भी हो मैं हो रही थी तुम लोग क्या पापा आप खैर बहुत उस दिन भी आपने उमर किसी उम्र की साइड ले रहे थे ना पापा कोई बात नहीं अब जिस टाइम टांगों पे चढ़ना हो उमर ही आएगा निमिषा नहीं आएगा तो ऊपर लगेगा ये देख बेटियां ताने लग जाती हैं यार ओए होए कभी कुछ कीता जे बस रहने दो यार ये व्लॉग यहाँ पे बाद में शुरू करता हूँ देखें लोगों देखें मम्मा के फोन नहीं रहे इधर मत और तू अब ये आपके अली भाई पैसे गिन रहे हैं मम्मा के निकाल के उनसे वापस लेने के लिए अरे नहीं यार अस्सी है ना ये पापा आप ही ना खा देना मम्मा के पैसे थोड़े ने इन्होंने दे दे यार ते पापा थोड़े ने की मतलब यार मैं बच्चियों को यशी कराना चाह रहा हूं के बिहाइंड द सीन हो रहे हैं ये अस्सी अस्सी ला दे दे अस्सी और बाकी दो बांध दो मैं क्यों था पापा वापस ही आ जाने हैं चलो अब गिनो अच्छा तो गाइस सीन कुछ ऐसा है मैंने पैसे ले लिए हैं मतलब पैसे मेरे पास आ गए हैं ईदी देने के लिए आओ पहले मेरे बेटे आओ आओ बेटे पैसे मैंने इकट्ठे कर लिए गाइस जी 20,000 रुपए ईदी 30,000 ईदी रख लो सारा झूठ है अच्छा चलो भाई मैं पैसे दे रहा हूं थाने आ मुस्कान आजा मेरा मैं इधर पकड़ा दे ना 40 पैसे आए ना मेरी मेहंदी यार ये क्या बात है 30-40 चलो छोटी है ना मीरा मुझे सज्जल आजा मीरा मुस्कान तुझे कितने दिए असल में मेरे गिने नहीं ना ज्यादा बहुत है गिने से वापस ले सज्जल के लिए भी 40,000 ये अब कैमरा पकड़ रिमशा से मुस्कान मैं रिमशा को दो ये पकड़ ना बेटा मुझे ना ये लो निमिषा 70,000 है बेटा क्या याद करो जी कैमरे क्या हाथ नहीं आया वो नहीं गाइस मैंने दे दिए सारे बच्चों को ईदी शिदी अच्छा सारे वापस कर दो मेरे पापा मम्मा के पैसे वापस रख चलो लाओ ये लो पैसे ये लाओ बेटा नहीं मम्मा मारेंगी दो शाबाश शाबाश बस आप बस बस देखिए एक और एक और सीन करते हैं जा सारे पैसे मम्मा को ले दे तो मम्मा का तो मैं से ईदी ले लो आप पहले तो हम सबकी तरफ से आपको ईद मुबारक में कहना भूल गया था फैमिली की तरफ से भी दूसरी बात ये ईदी दो बेटा मैं तेरे कल तो देती है 10,000 फिर आज फिर मैं तेरे 5,000 के कपड़े मम्मा रोना नहीं है मम्मा मैं आज ईदी देना लव यू मम्मा बस नहीं जो मैं करने हैं मम्मा बड़े बड़े बोल नहीं बोलते मम्मा आपके अपने पैसे मम्मा मम्मा बस इतना कुछ नहीं होना मम्मा बाद में बुरा लगेगा कुछ मम्मा इधर दे दो अलमारी में वापस रखनी है मेरे पैसे ये पैसे पापा को तो पता ही है पापा के साथ क्या ड्रामा करना बहुत मेहरबानी मेरे पैसे वापस अच्छे तरीके से पापा एक नोट और था मैं तेरा मुंह पर ना एक नोट और था अच्छा तो गाइस कैसा लगा आपको ये ब्लॉग ईदी किस किस के बाद कितने ईदी इकट्ठी हुई तो और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल वाले ब्लॉग में बाय